और उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तेज धमाके के साथ में सिलेंडर फट गया और इस धमाके से दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य इसमें घायल हुए हैं। वह इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है। और इस बारे में SSP अजय सानी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये विस्फोट सिलेंडर ब्लास्ट का ही लग रहा है, लेकिन अभी वे साफ तौर पर कुछ नहीं कह सकते हैं। मामले की जांच जारी है और मलबे से लोगों को निकालने का काम भी जारी है। मेरठ से हमारे संवाददाता लोकेश टंडन हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ में। लोकेश, एक घटना सामने आई थी जहां पर एक घर में तेज धमाका हुआ जिसमें दो लोगों की मौत हुई है, कई अन्य इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक फिलहाल वहां से कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितने लोग घायल हैं और अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है? जी धीरेन्द्र, ये देर रात का मामला है जब धमाका हुआ था और धमाका होने से चार घरों की छत उड़ गई थी, जिसमें कई लोग दब गए थे और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। धीरेन्द्र, रेस्क्यू सुबह लगभग 4 बजे तक चला, जिसमें सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लगभग 10 लोग इसमें घायल हैं और 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। धीरेन्द्र, बताया जा रहा है कि आसपास के इलाके में यहाँ बम या पटाखे कहें बनाने का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा था। अगर मैं अभी बात करूं पिछले दिनों की सरधना की, तो सतना में भी विस्फोट होने से दो लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि वहां भी पटाखों का विस्फोट हुआ था। और यहाँ जो पुलिस का कहना है, वो पुलिस का कहना है कि यहाँ पर सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ, लेकिन जो आसपास जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं बम बनाने की है। तो इसलिए पुलिस ने यहाँ पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। 2 जिलों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई है, निवाड़ी की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर आई है और आगरा की फॉरेंसिक टीम ने भी आकर यहाँ सैंपल लिए और जांच में जुट गई है। अब जो जांच की रिपोर्ट है उसके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या उसका जो कारण था वो सिर्फ सिलेंडर ही है या फिर जो विस्फोटक है या जो बम थे यहाँ पर, बम बनाने की सामग्री थी, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी पूरे मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर सिलेंडर से इतना बड़ा हादसा हुआ है या फिर इसके पीछे बम बनाने की जो सामग्री थी वो भी है। अगर इस मामले में कुछ और यानी कि विस्फोटक निकल के सामने आते हैं तो जो आरोपी इसमें सिद्ध होंगे, जो लोग आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी मेरठ पुलिस सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन अभी सब लोगों को निकाल लिया गया है और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।